जनपद में बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में 9 विधानसभाओं में 36 प्रत्याशियों ने अपना अपना पर्चा दाखिल किया और 27 प्रत्याशियों उम्मीदवारों ने अपना पर्चा खरीदा, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 9 विधानसभा को मिला करके कुल 36 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। 4 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक कुल 73 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें 4 फरवरी को 2, 5 फरवरी को 5, 7 फरवरी को 1, 8 फरवरी को 19 और 9 फरवरी को 36 नामांकन किया गया। उन्होंने कहा कि 9 फरवरी तक कैंपियरगंज में 5, पिपराइच में 5, शहर में 15, गोरखपुर ग्रामीण में 14, सहजनवा में 8, खजनी में 8, चौरी चौरा में 6, बांसगांव में 3 और चिल्लूपार में 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं। 5 दिनों में 76 प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभावार पर्चा दाखिल किया। 279 पर्चा 5 दिनों में खरीदे जा चुके हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। आज जनपद गोरखपुर की सभी 9 विधानसभाओं को मिला करके कुल 36 नामांकन लोगों ने किया है। कल तक कुल 37 लोगों ने किया था, तो आज मिला करके कुल 73 लोगों ने अब तक नामांकन किया है। इसका विवरण इस प्रकार भी है, 4 फरवरी को 2 नामांकन, 5 फरवरी को 5 नामांकन, 7 फरवरी को 11 नामांकन, 8 फरवरी को 19 नामांकन और 9 फरवरी को 36 नामांकन। इस प्रकार के से कुल 73 लोगों ने अब तक नामांकन किया है। आज दिनांक 9 फरवरी तक कैंपियरगंज में 5 नामांकन, पिपराइच में 5 नामांकन, गोरखपुर शहर में 15 नामांकन, गोरखपुर ग्रामीण में 14 नामांकन, सहजनवा में 8, खजनी में 8, चौरी चौरा में 6, बांसगांव में 3 और चिल्लूपार में 7 नामांकन प्राप्त हुए हैं।